नमस्कार साथियों, मैं गुरमीत सिंह बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे विधानसभा के बारे में। आज जो हम टॉपिक जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है विधान परिषद। विधान परिषद के बारे में अपने को पढ़ना है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। देखिए, विधान परिषद से पहले, हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सभी जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका जो विधान मंडल है वो द्विसदनीय नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के विधानमंडल में केवल विधानसभा है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ के विधानमंडल में विधानसभा तो है ही है, प्लस में विधान परिषद भी है। और उसी विधान परिषद का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कैसे इसका गठन होता है, कैसे इसकी समाप्ति होती है, विधान परिषद में क्या क्या होता है, कौन सदस्य होते हैं, उन सदस्यों को कैसे कैसे चुना जाता है या फिर मनोनीत किया जाता है, उनके संदर्भ में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, विधान परिषद के क्या क्या विशेष कार्य हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। और मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है, मुझे आप पर भी और आप सभी पर भी, कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले इंडियन पॉलिटी कोर्स के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। दरअसल इस कोर्स को हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हमारी एंड्रॉइड ऐप पर इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी मौजूद है। और इस कोर्स के तहत हमने 100 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, साथ ही इन वीडियोस के पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी के 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी मिलने वाले हैं हमारी ऐप के ऊपर। तो ये जो कोर्स है अपने आप में कंप्लीट हो जाता है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी का, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडियन पॉलिटी को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हैं, अभी तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेसन्स पूरा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको हमारी ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा। ये हमारी एंड्रॉइड ऐप का डेस्कटॉप वर्जन है दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप हमारे लेसन्स को लैपटॉप में देखें या फिर आप डेस्कटॉप में अपने पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो आप लोग bhatnerias.com पर जा सकते हैं और इसके जरिए भी आप लोग हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से ये इंडियन पॉलिटी का पूरा कोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा है, सी सेट 2021 का कोर्स नजर आ रहा है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स नजर आ रहा है, तो तमाम कोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कोर्सेज की खासियत ये है कि ये सभी कोर्सेज पूरी तरह से अफोर्डेबल हैं और क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है दोस्तों। इनकी कीमत ऐसी है कि एक किताब से भी कम पैसे देकर आप इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं, पूरे एक साल की आपको वैलिडिटी मिल जाती है। यहां पर आप इंडियन पॉलिटी कोर्स की एक झलक भी देख सकते हैं दोस्तों। आपके सामने है 104 वीडियोस अभी इसके अंदर मौजूद हैं और 2 या 3 वीडियोस ही आनी इस कोर्स में बाकी है, तो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और देखिए 75 पीडीएफ भी इसके तहत अपलोड किए जा चुके हैं, तो जो भी थोड़े बहुत पीडीएफ बचे हैं वो भी बहुत जल्दी थोड़े दिनों के अंदर ही कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो अपने आप में ये कोर्स मुकम्मल है दोस्तों। वीडियोस तो आप लोग पूरी मानिए, देखिए किस तरह से हमने कवर किया है। यहां पर ये देखिए चैप्टर, देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर के अंदर आप जाएंगे तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगी और 2 ही पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो 6 वीडियोस मिलेंगी और 6 इनकी फाइल्स मिलेंगी। इसी तरह से देखिए फंडामेंटल राइट्स के आप चैप्टर में जाएंगे तो इसके अंदर 5 वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और 6 इनकी पीडीएफ फाइल्स मिलने वाली हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको हमारे इस कोर्स के तहत हमारी ऐप पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों हमारा कोर्स रहेगा इंडियन पॉलिटी का। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग चाहते हैं फटाफट इस कोर्स को देखना मुकम्मल तरीके से पीडीएफ के साथ, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे और इस कोर्स को हासिल करेंगे। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको ये कोर्स वहां पर मिलने वाला है, 260, महज 260 रुपए देकर आपको ये कोर्स कंप्लीटली मिल जाने वाला है, जिसमें आपको तमाम वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाने वाले हैं। इस कोर्स की एक और खास बात देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी का ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पर देखिए
आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स के जो भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनमें इंडियन पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ज्यादातर हमने कवर किए, खास तौर पर पिछले 17 सालों के प्रीवियस 17 ईयर्स के जो भी एमसीक्यूज रहे हैं इंडियन पॉलिटी विषय के वो हमने कवर किए हैं 2004 से लेकर आईएएस प्रीलिम्स 2020 तक के सभी प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के। तो ये कोर्स आप लोगों के बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो फटाफट हमारी एंड्रॉइड ऐप भटनेर आईएएस डाउनलोड कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए हमारे तमाम कोर्सेज को। तो मित्रों ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं, विधान परिषद। अभी हम बात कर रहे थे विधान परिषद के बारे में कि अनुच्छेद 169 में ये लिखा हुआ है कि किस तरीके से विधान परिषद का गठन होगा या अगर उसका गठन हो रखा है तो समाप्ति कैसे होगी। देखिए विधान परिषद का गठन कैसे होगा और अगर उसका गठन हो रखा है तो उसकी समाप्ति कैसे होगी, और समाप्ति के लिए हिंदी में एक शब्द और भी है, उत्साधन कैसे होगा। उत्साधन, जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है सबसे पहले उस राज्य का विधानसभा इस चीज के लिए पहल करेगी। जैसे कि मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान का उदाहरण देखकर आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि जो राजस्थान की विधानसभा है, विधानसभा, अब जैसे ही राजस्थान सरकार को ये महसूस हुआ कि यहां पर विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए तो उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करती है, एक प्रस्ताव पारित करती है विशेष बहुमत से। फिर वो प्रस्ताव जाता है हमारी संसद के पास और अगर संसद उसको साधारण बहुमत से, उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो गया है। मानो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार को ये आभास हुआ, ये महसूस हुआ कि राजस्थान में विधान परिषद होनी चाहिए तो पहल करेगी यहाँ की विधानसभा। यहाँ की विधानसभा विशेष बहुमत यानी कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेगी। वो प्रस्ताव जाएगा संसद के पास, संसद में उस पर चर्चा होगी, उस पर बहस होगी, फाइनली उस पर वोटिंग होगी और अगर वोटिंग हो रही है और साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत का मतलब है कि जितने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से आधे से अधिक साइन कर दें उस पर कि भाई ऐसे ऐसे करके राजस्थान में विधान परिषद का गठन होना चाहिए तो राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो जाएगा। और अगर गठन हो रखा है उसकी समाप्ति करनी है तो भी प्रक्रिया मित्रों यही रहेगी। विधानसभा एक संकल्प पारित करेगी विशेष बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पारित करके अपनी अनुमति देगी और उस राज्य में विधान परिषद की समाप्ति हो जाएगी। यानी कि विधान परिषद का गठन प्लस विधान परिषद की समाप्ति की अंतिम शक्ति किसमें निहित है मित्रों, अंतिम शक्ति निहित है संसद में। विधानसभा मत कर देना, विधानसभा सिर्फ पहल कर सकती है कि विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पहल कर सकती है। विधान परिषद का गठन होगा और अगर हो रखा है तो उसकी समाप्ति होगी कि नहीं होगी ये संसद ही तय करती है। तो मित्रों यहाँ पे बड़े अच्छे वाले 2 प्रश्न बन रहे हैं, किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन की अंतिम शक्ति निहित है, ऑप्शन आएगा विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर क्या होगा संसद। किसी भी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति की अंतिम शक्ति निहित है संसद में। किसी भी राज्य में विधान परिषद के गठन की पहल करने की शक्ति निहित है, अब उत्तर संसद नहीं होगा, पहल करने की शक्ति किसमें है विधानसभा में। किसी भी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति के लिए पहल करने की शक्ति किसमें निहित है, किसमें निहित है विधानसभा में। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा
की विधान परिषद की अगर समाप्ति करनी है, उसका गठन करना है, तो पहल हमेशा विधानसभा करेगी और फाइनली उसको संसद अनुमति देती है। अब यहां पे दो बातें समझ लीजिएगा। मैंने आपको ये बात कही थी कि विधान परिषद की प्रकृति, विधान परिषद की संरचना लगभग वैसी है जैसी कि राज्यसभा की होती है, लेकिन हम एक चीज देखते हैं, राज्यसभा को कभी भंग किया जा सकता है? नहीं। तो क्या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है? नहीं। राज्यसभा को कभी समाप्त किया जा सकता है? नहीं। विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? हाँ, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। अगर आपसे यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है परंतु उसे भंग नहीं किया जा सकता, तो देखिए हम चारों सदनों की बात करते हैं मित्रों। देखिए, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है और विधान परिषद है। अब देखिए, लोकसभा को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन क्या लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है? नहीं, लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी हो सकता है कि लोकसभा है ही नहीं, अकेली राज्यसभा ही है, लोकसभा के कभी चुनाव ही नहीं होंगे, कोई लोकसभा का अध्यक्ष ही नहीं होगा, यानी कि लोकसभा का कॉन्सेप्ट ही हमारी भारतीय राजनीति से निकाल दें? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, भंग किया जा सकता है। लोकसभा चल रही है, लोकसभा को भंग कर दिया राष्ट्रपति ने, दोबारा से चुनाव होंगे, नई लोकसभा गठित हो जाएगी, ये तो होता है भंग करना, समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है? नहीं। राज्यसभा को न भंग किया जा सकता है, न ही इसको समाप्त किया जा सकता है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो विधानसभा को भी भंग कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा को समाप्त कर सकते हैं? नहीं। अब है विधान परिषद। विधान परिषद को भंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन क्या विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मित्रों देखिए, लोकसभा को समाप्त नहीं कर सकते, राज्यसभा को समाप्त नहीं कर सकते, विधानसभा को समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। तो ये प्रश्न काफी बार आया है कि निम्न में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है, तो उसका उत्तर क्या होगा? विधान परिषद। अब हम देखते हैं विधान परिषद की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है, यानी कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कितनी सदस्य संख्या होगी, उसके बारे में उल्लेख है। 171 में बताया गया है कि विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है ये तय करता है कि वहां की विधानसभा की संख्या कितनी है। विधानसभा की जितनी संख्या है, सदस्य संख्या है, उसका तीसरा हिस्सा अधिकतम सदस्य संख्या होगी विधान परिषद की, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, और न्यूनतम जो आंकड़ा है वो है 40। न्यूनतम बताया गया है 40, लेकिन अधिकतम के लिए फिक्स आंकड़ा नहीं है। जैसे राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की जो विधानसभा सदस्य संख्या है वो है 200, तो इसका मतलब विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 200 का 1/3, और 200 का 1/3 होता है 66.66, और 66.66 का मतलब होता है 67। यानी राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन होता है तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 67 और न्यूनतम होती है 40, यानी इस
जो आंकड़ा है 46-67, इसके बीच में ही कोई भी संख्या आप रख सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से हम राज्यसभा को बोलते हैं द्वितीय सदन, उच्च सदन, इसी तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राज्य स्तर पर उच्च सदन किसको बोलते हैं, तो विधान परिषद को। इसको क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसको क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन। ये जो सभी नाम हैं, ये किसके हैं? विधान परिषद के। तो ये विधान परिषद के हमने जो पद है उसके बारे में पढ़ लिया। अब हम वैसे पढ़ेंगे योग्यताएं, निर्वाचन कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है। अगला हम देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होती है। योग्यताओं में पहला वही कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा होता है कि जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, और लाभ के पद पर न हो, दिवालिया न घोषित किया गया हो, पागल घोषित न किया गया हो। ये अलग कॉमन सी बातें हैं, इसमें कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है। मुख्य जो बात यहाँ पे है वो आयु की ही है। योग्यताओं के बाद हम पढ़ेंगे निर्वाचन कैसे होता है। लेकिन निर्वाचन को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या होती है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उन सदस्यों को हमने इकट्ठा किया है, ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें से पहला तो ये है कि एक बटा छ स्थान या सीटें तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो इसमें हमारे पास फिक्स आंकड़ा नहीं है। राज्य विधान परिषद की जितनी भी कुल सदस्य संख्या है उसका 1/6 भाग जितना भी बनता है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों को मनोनीत किया जा रहा है उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी किस बेस पे, किस आधार पे चुना जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, तो उसमें लिखा गया है विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता। यहाँ पे सहकारिता शब्द का भी उल्लेख है। सहकारिता के क्षेत्र में जिन लोगों को विशेष ख्याति प्राप्त है, प्लस वे 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, वे किसी लाभ के पद पर नहीं हैं, वे दिवालिया पागल घोषित नहीं किए गए हैं, तो ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिक्स आंकड़ा नहीं है। अगर मान लेते हैं किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है तो 60 में से 10 व्यक्तियों को राज्यपाल जी द्वारा मनोनीत किया जाएगा। दूसरा, 1/3 स्थान या सीटें उस राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित की जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि जिस विधान परिषद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, उसकी जो सदस्य संख्या है वो है 60, हम मान लेते हैं 60 है, ताकि हम जो 1/3 है, 1/6 है, इस आंकड़े को थोड़ा क्लियर कर सकें। 1/3 स्थान उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। अब 1/3 का मतलब, अगर 60 सदस्यों की विधान परिषद है तो इसका मतलब 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 20 सीटें। 20 सीटें उस राज्य के विधान परिषद विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनी जाएगी। तीसरा, 1/3 स्थान
नगर पालिकाएं, जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा चुनी जाएगी, यानी कितनी सीटें हो जाएगी, 20 सीटें। ये 20 सीटें मैं फिक्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उदाहरण देकर बता रहा हूं कि अगर टोटल 60 सीटें हैं किसी राज्य की विधान परिषद में तो उनको कैसे कैसे बांटा जाएगा। देखिए 1/6 स्थानों को राज्यपाल ने मनोनीत कर दिया, और यानी कि हम कितने सदस्य रखेंगे यहां पर, 10। 1/3 स्थान जो है यानी कि 20 व्यक्तियों को किसके द्वारा चुना गया, उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना गया। 1/3 स्थान उस राज्य की जो नगर पालिकाएं हैं, उस राज्य की जो जिला परिषदें हैं उनके सदस्यों द्वारा चुने गए 20 व्यक्ति। चौथा 1/12 सदस्य किसी विश्वविद्यालय के, यानी राज्य की बात कर रहे हैं, उस विश्वविद्यालय, उस राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक कर रखी है, और स्नातक किए हुए उनको पूरे 3 वर्ष हो चुके हैं या उससे अधिक हो चुके हैं, ऐसे लोग चुनेंगे 1/12 सदस्यों को, यानी कि 5 सदस्य हो जाएंगे। द्वारा से सुनना, 5 सदस्यों को ऐसे स्नातक डिग्रीधारी विद्यार्थियों द्वारा चुना जाएगा जो किसी विश्वविद्यालय से 3 वर्ष पहले बैचलर डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर चुके हैं, उनका स्पेशल एक आईडी कार्ड बनेगा और वे लोग उनका निर्वाचन करेंगे, ऐसे 5 सदस्यों का। पांचवा है लास्ट, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य के सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी जो टीचर हैं, यानी कि या तो सेकेंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड जो टीचर हैं और वो कम से कम 3 साल से अध्यापन कार्य करवा रहे हैं सरकारी सर्वेंट के रूप में, वे लोग चुनेंगे कितने सदस्यों को, 5 सदस्यों को। यानी कि 5 सदस्यों को तो चुनेंगे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है 3 साल पहले, और 5 सदस्यों को चुनेंगे टीचर लोग जो कि सरकारी टीचर हैं लेकिन 3 साल से भी नौकरी कर रहे हैं सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी टीचर के रूप में। तो टोटल सदस्य जो है हमारे पूरे हो गए। इस तरीके से निर्वाचन होता है विधान परिषद के सदस्यों का, जिसमें से मनोनयन भी है, विधानसभा द्वारा भी चुने गए हैं, नगर पालिकाओं द्वारा भी चुने गए हैं, टीचर्स और स्टूडेंट के द्वारा भी चुने गए हैं। अब एक बड़ा ही जोरदार कॉन्सेप्ट है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, तो उसका उत्तर होगा विधान परिषद, क्योंकि 5 व्यक्ति विद्यार्थियों द्वारा और 5 जो ये उम्मीदवार हैं, ये व्यक्ति हैं जो कि टीचर द्वारा चुने जाते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि किसी व्यवसाय विशेष के व्यक्तियों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनना, किसी भी व्यवसाय विशेष में जो कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं वे अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को चुनकर अगर ऊपर भेजते हैं तो इसको बोलते हैं व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। टीचर्स जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से 5 व्यक्तियों को विधान परिषद में भेजा, जो बैचलर डिग्री जिन्होंने कर रखी है, उन स्टूडेंट ने 5 लोगों को चुनकर अपने प्रतिनिधि के रूप में ऊपर भेजा, तो इसको बोलते हैं व्यवसायिक प्रतिनिधित्व। अब प्रश्न आ सकता है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में व्यावसायिक प्रतिनिधियों के लिए कुल कितने स्थान आरक्षित हैं। अब देखिए प्रश्न सुनना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहां पर, मैं इसको रफ कर देता हूं। प्रश्न मेरा क्या है कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के लिए कितने स्थान हैं किसी विधान परिषद में, यानी 1/12 तो ये हैं और 1/12 ये हैं,
तो जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, एक बटा छः, यानी कि एक बटा छः स्थान व्यवसायिक प्रतिनिधि के रूप में आरक्षित हैं। तो दो तीन बातें क्लियर करना, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का एकमात्र उदाहरण विधान परिषद। अगर आप पूछ ले कि किस व्यवसाय से संबंधित हैं, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स, और कितने स्थान आरक्षित हैं, तो 1/12 + 1/12 = 1/6 स्थान, क्योंकि फिक्स आंकड़ा हम दे नहीं सकते, 10, 20, 30 हम कह नहीं सकते, उस राज्य की विधान परिषद की जितनी भी सदस्य संख्या होगी उसका 1/6 व्यवसायिक प्रतिनिधित्व का उदाहरण है। तो इस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन के बाद हम अगर इसकी विधि की बात करें कि इनके निर्वाचन की विधि क्या है, तो वो होती है एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, यानी जिस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों को चुना गया था, सेम प्रक्रिया विधान परिषद के सदस्यों के बारे में होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम व्यवस्था यहां पर लागू नहीं होती, एकल संक्रमणीय पद्धति से सभी सदस्यों का चुनाव होता है। 1/6 सदस्य है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और चूंकि इसमें डायरेक्ट जनता का कोई रोल नहीं होता है, तो यह मतदान कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं ले रही, भाग ले रहे हैं इसमें टीचर्स, भाग ले रहे हैं इसमें बैचलर डिग्रीधारी स्टूडेंट्स, भाग ले रही हैं इसमें नगर पालिकाएं, जिला परिषद या विधानसभाएं, क्योंकि जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि नहीं चुन रही है, तो ये अप्रत्यक्ष पद्धति है। निर्वाचन के बाद हम बात करेंगे शपथ की, शपथ कौन दिलाता है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि विधानमंडल के सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। तो विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल। और विधान परिषद के सदस्य शपथ क्या लेते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि क्या शपथ लेते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी जो व्यक्ति हैं वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। शपथ के बाद हम बात करते हैं कार्यकाल की, कि कार्यकाल कितना होता है। देखिए, विधान परिषद का तो कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, सिर्फ समाप्ति हो सकती है या गठन हो सकता है, और समाप्ति कब हो गई, गठन कब हुआ, इसके बारे में पहले से कुछ फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है, और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और इसमें से प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। यानी कि विधान परिषद की राज्यसभा की तरह विधान परिषद के भी प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, परंतु सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और त्याग पत्र मैंने आपको बता रखा है कि इसमें सदस्य होते हैं, उपसभापति होता है, सभापति होता है। सदस्य और उपसभापति अपना त्याग पत्र सभापति को, और सभापति अपना त्याग पत्र उपसभापति को संबोधित करते हुए सौंपता है। तो ये विधान परिषद की संरचना थी। अब विधान परिषद के विशेषाधिकार कुछ है नहीं, हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि विधान परिषद का कितना औचित्य है, या विधान परिषद का राज्य की राजनीति में कितना बड़ा रोल है। कुछ खास रोल नहीं है। देखिए, पहला धन विधेयक की मैं बात करूं, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि धन विधेयक जो है, अगर विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद के पास जाता है, तो विधान परिषद उसको 14 दिन तक रोक सकती है। सिर्फ 14 दिन तक उसने पारित नहीं किया तो वो स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। यानी कि धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद के पास कितनी पावर है, सिर्फ और सिर्फ उस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। हालांकि इस संदर्भ में राज्यसभा का भी इतना ही रोल होता है, धन विधेयक को राज्यसभा भी सिर्फ 14 दिन तक रोक ही सकती है। दूसरा,
अगर कोई मान लेते हैं कोई और कोई विधेयक है, कोई साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है, तो वो अगर मान लेते हैं कि पहले रखा गया विधान परिषद में, सुनते जाना शब्दों को, विधान परिषद में हमने विधेयक रखा, विधान परिषद ने पारित करके भेज दिया विधानसभा के पास, लेकिन विधानसभा ने उसको पारित नहीं किया, तो वो जो विधेयक है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, वो कैंसिल हो गया, काम खत्म। अब हम उल्टा करते हैं, मान लेते हैं वही विधेयक पहले विधानसभा में रखा गया और विधानसभा से पारित होकर वो जाता है विधान परिषद के पास और विधान परिषद ने उसको पारित नहीं किया, तो वो प्रस्ताव, वो विधेयक, वो बिल रद्द नहीं होगा, वो विधेयक वहां पर पड़ा रहेगा 3 माह, यानी कि 3 महीने का समय है कि विधान परिषद बताए कि भाई उसको पारित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या फिर उसको पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो 3 महीने बाद वो जो प्रस्ताव है वो वापस जाएगा विधानसभा के पास, वापिस हो जाएगा वो प्रस्ताव जो भी है। अब विधान परिषद ने मान लिया, सोच लिया कि चलो छोड़ो, हम इस प्रस्ताव को कैंसिल ही करते हैं, और विधान परिषद ने उस प्रस्ताव को कैंसिल कर दिया, फिर तो बात भी खत्म है। लेकिन अगर विधान परिषद ने दोबारा से उसी प्रस्ताव को वैसे का वैसा या फिर कुछ संशोधनों सहित फिर से पारित करके भेज दिया विधान परिषद के पास, दोबारा भेज दिया, और विधान परिषद ने फिर भी उसको पारित नहीं किया, तो प्रस्ताव अब यहां पर पड़ा रहेगा 1 माह। अब 1 माह और गुजर गया और विधान परिषद ने उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया, तो वो प्रस्ताव यहां से स्वतः ही पारित हो जाएगा, यानी कि किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति देना या न देना ये सिर्फ विधानसभा पर ही निर्भर करता है। विधान परिषद केवल और केवल 4 महीने का विलंब कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। प्रस्ताव को रद्द करने की शक्ति विधान परिषद में बिल्कुल भी नहीं है। अगर सत्य असत्य में मान लेते हैं, ऐसा कथन आ जाता है कि धन्य विधेयक को विधान परिषद मात्र 14 दिन तक रोक सकती है, परंतु वित्त विधेयक को विधान परिषद रद्द करने की शक्ति रखती है, तो कथन गलत है, नहीं रखती। चाहे वित्त विधेयक है, चाहे धन्य विधेयक है, चाहे अन्य कोई विधेयक है, कुछ भी है, विधान परिषद किसी भी विधेयक को रद्द कर ही नहीं सकती। धन्य विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और बाकी जितने विधेयक हैं उनको अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है। इसके अलावा विधान परिषद कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैंने आपको बताया, राज्य की राजनीति में विधान परिषद का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। विधान परिषद ने प्रस्ताव पारित किया और विधानसभा कैंसिल कर सकती है, लेकिन विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया तो विधान परिषद उसको पहली बार 3 माह के लिए और दूसरी बार 1 माह के लिए, यानी कुल 4 माह तक रोक सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। तो विधान परिषद का राज्य की राजनीति में इतना ही रोल है, कोई विशेषाधिकार विधान परिषद के पास नहीं है। तो इसके साथ ही अपना ये विधान परिषद वाला टॉपिक भी पूरा होता है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।